हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइट और गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 23 की एक और वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज मैं ऑफिशियली जो है वो न्यूब्रन का लेट्स प्ले सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और न्यूब्रन मैप जो है वो काफ़ी देर से खेलना चाह रहा था बट फॉर सम रीज़न ये जो है वो पेंडिंग होता चला गया, लेकिन आज जो है वो मैं फाइनली इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो जल्दी से हम लोग जो है वो इस मैप को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप में से अगर किसी को नहीं पता, न्यूब्रन बेसिकली एक जर्मन लैंडस्केप पे बेस्ड यूरोपियन मैप है और इसका जो लैंडस्केप है सारा का सारा वो जर्मन बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो इंटरेस्टिंग मैप है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कई जगहों पे ये मैप जो है वो एम्बरस्टोन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगा है। सो गाइस यहाँ पे हम जो है वो सो मैं प्रीवियसली लो ग्राफिक्स पे खेल रहा था, सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो इसको चेंज कर लेते हैं। राइट सो अभी क्योंकि हमने ग्राफिक सेटिंग्स चेंज की है तो थोड़ी सी गेम जो है वो यहाँ पे लैग करेगी। ओके सो गाइस मैंने क्योंकि आपसे पिछले जो है वो वीडियो में बोला था कि इसको हम थोड़ा सा ना डिफरेंट खेलेंगे, सो अभी जो है वो सबसे पहला काम तो यही करना है कि मैंने ये वीट का जो फील्ड है इसको हार्वेस्ट करना है। और बाकी जो है वो मैं यहाँ पर जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं वन बाई वन ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है ये शॉप के ऊपर लेके जाने वाला हूँ और यहाँ पे शॉप के ऊपर लेके जाके हम इनको जो है वो सेल कर देंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इस सीरीज़ में टोटली एक यूनिक चीज़ और डिफरेंट अप्रोच जो है वो करूँगा और वो डिफरेंट अप्रोच ये है कि मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये फार्मिंग नॉर्मल जो फार्मिंग है इसको मैं नहीं करूँगा बल्कि मैं जो है वो यहाँ पर इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा ऑलिव फार्मिंग से, ऑलिव ऑर्चर्ड से, ऑलिव फार्मिंग से, जो मर्ज़ी आप इसको कह लें, बट येस नॉर्मल फार्मिंग में नॉर्मल क्रॉप्स जो है वो मैं नहीं प्लांट करने वाला। नॉर्मल फार्मिंग के रिलेटेड जितना भी गियर है वो अभी मैं सारे का सारा जो है वो यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक यूनिक जो है वो अप्रोच से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो जब गेम स्टार्ट करनी है सो आपने जो नॉर्मल फार्मिंग है वो ही करनी है सबसे पहले, तो उसी से ही जो है वो आपने आगे जाना है। अच्छा यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है मैं बेच दूँगा इंक्लूडिंग हार्वेस्टर, और जो चीज़ मैं नहीं बेचूँगा वो ये एक ट्रेलर होगा, सिर्फ एक ट्रेलर जो है मैं अपने पास रखूँगा और बाकी की सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे सेल आउट कर दूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीडर और ये मैसी के ट्रैक्टर सारी ईच एंड एवरी थिंग जो है वो यहाँ पर गाइज मैं करने जा रहा हूँ सेल। सो यहाँ पर मैं वन बाई वन जो है पार्क इसलिए यहाँ पर मैनुअली इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि हमें जो है वो ज़्यादा पैसे मिल सके इनसे। तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं जी इस ट्रैक्टर से और ये है जी यहाँ पे ट्रिगर, तो इसको यूज़ करते हुए सेल कर देते हैं सारी चीज़ें वन बाय वन। और ये जी सारी चीज़ें जो है वो सेल हो चुकी हैं। सो अभी भी मेरे ख्याल से हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि हम ओलिव टेक्नोलॉजी की, वैसे भी ओलिव की जो हार्वेस्टर है वो थोड़ी सी महंगी, नहीं ठीक है हो गए हैं पैसे। सो जल्दी से हम लोग जी यहाँ पे कर लेते हैं ओलिव को परचेज़, और ओलिव हार्वेस्टर परचेज़ करने के बाद हमारे पास रह गए हैं 18,000 डॉलर्स। सो ये आप देख सकते हैं ओलिव हार्वेस्टर है। सो जब तक हमारा दूसरा हार्वेस्टर फील्ड जो है वो हार्वेस्ट हो रहा है हम इस हार्वेस्टर को जो है वो ओलिव ऑर्चर्ड के करीब ले कर चलते हैं और वहाँ पर ही फिर जो है वो हम अपना ओलिव ऑर्चर्ड जो है वो बाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने इस मैप में हमारे जो है वो ग्रेप ऑर्चर्ड है और लेकिन अभी हमने जाना है ओलिव ऑर्चर्ड में, सो वो थोड़ा सा यहाँ से फ़र्क है, डिफरेंट है, थोड़ी सी दूर है यहाँ पे, बट यस चलते हैं हम इसको लेके, ज़्यादा दूर नहीं है वो भी करीब ही है। और बेसिकली यहाँ पर चल के कुछ इस तरफ को करके आते हैं तो वो सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। ऑलराइट तो स्लोली स्लोली हम जो है वो लेके चलते हैं इसका थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव जो है वो उसमें ड्राइव कर लेते हैं। काफ़ी मज़ेदार हार्वेस्टर है और ये ओलिव वाली कॉन्फ़िगरेशन में तो और भी खूबसूरत लगती है, मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन थोड़ी सी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की लगती है। सो यहाँ पे टाइम क्योंकि काफ़ी फास्ट हो रखा है सो मैं यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा जो है वो एक दफ़ा रियल क्लॉक पे कर देता हूँ ताकि पहला गेम प्ले हमारा अच्छे वाली लाइटिंग में जो है वो गुजरे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये ऑलिव्स जो है वो बेसिकली अभी ग्रो कर रहे हैं और अभी ये 50% फर्टिलाइज्ड हैं एंड आई होप कि मैं जो है वो इनको मतलब के बाय कर पाता बट अनफॉर्चुनेटली इतने अभी मेरे पास पैसे होंगे नहीं कि मैं जो है वो एक स्प्रेयर भी परचेज़ कर पाऊँ।
तो वो देखने वाली चीज़ होगी कि क्या हम आज ही के गेम प्ले में स्प्रेयर जो है वो परचेज कर पाएंगे या नहीं। और बाकी जो दो चीज़ें होती हैं बेसिकली मल्चर और वो दूसरी चीज़, तो वो गाइस बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होते हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन यस, अगर आपके पास बजट है तो आप ज़रूर से वो चीज़ें करें, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास बजट काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइट होने वाला है, सो अभी जो है मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मल्चर शल्चर ये सारा जो है वो स्किप करूँगा। सो ये खुद ही मैं थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हार्वेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और ऊपर से हेल्पर जो है वो तो कमाल ही कर देता है, मतलब वो एक घंटा लगा देता है उसको टर्न करवाने में। सो ये फील्ड जो भी पड़ा हुआ है इसको जो है मैं यहाँ पे खुद ही हार्वेस्ट कर लेता हूँ, और बाद में जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम आउट कर दूँगा, कट कर दूँगा यहाँ पे वीडियो। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे फाइनली ये फील्ड जो है वो हार्वेस्ट कर लिया मैंने, और ये जितनी भी वीट है इसको हम यहाँ पे कर लेंगे अनलोड इस हमारी साइलो में। नाउ रीज़न ये है कि हमने क्यों ये फील्ड हार्वेस्ट किया, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ ना कुछ चिकन्स मिल जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी और बाय कर लूँगा और चिकन्स जो है वो साथ ही साथ हमारी फीड होती रहेंगी इस ग्रेन से। वैसे भी तो हमने ये सारा का सारा जो है वो ज़ाया ही करना था, सो उससे बेहतर है कि हमने जो है वो इसको यहाँ पे सिंपली हार्वेस्ट करके स्टोर कर लिया, ताकि जब भी चिकन्स जो है वो हमारे साथ साथ फीड होते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसे हमें जो है वो यकीनन एक्स्ट्रा इस फॉर्म में आएंगे। लेकिन आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। सो यहाँ पे अब ये लास्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट रह गया, तो इसको सेल करने के बाद हमारे पास जो है वो इतने पैसे टेक्निकली होने चाहिए कि हम लोग जो है वो एक फील्ड भी परचेज़ कर लें और एक छोटू ट्रैक्टर भी परचेज़ कर लें, और हो सके तो एक जो है वो स्प्रेडर भी बाय कर लें ताकि हम जो है वो उसको फर्टिलाइज़ कर सकें। नाउ अगर हम स्प्रेडर बाय करते हैं, बेसिकली मेरा जो आइडिया है एक बेसिक के मैं मिनिमम 15,000 डॉलर्स जो है वो अपने पास रखूँगा, उससे कम मैं अपना बैलेंस नहीं होने दूँगा, अदरवाइज़ आपको पता ही है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर हमने क्योंकि ज़्यादातर फिर यहाँ पे हेल्पर वगैरह को जो है वो हायर करना होता है, सो अगर हम उससे लो अपना क्रेडिट करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। आप कोई भी प्रोफाइल यूज़ करो तो कोशिश करो कि 15,000 डॉलर से अपना जो है वो बैलेंस कम ना हो पाए आपका, वरना फिर मसले में सेल जो है वो हो जाते हैं। सो ये जी सेल कर देते हैं हम दोनों चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें सेल करने के बाद अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाय करने वाली वो है जी ये वाला फील्ड। सो फील्ड नंबर 18 160,000 डॉलर का तो ये फील्ड ही आ गया, और इसके बाद हमारे पास रह गए हैं 3,300 डॉलर्स। और राइट, लेकिन एक यहाँ पे चीज़ रह गई है गाइस, वो ये है ट्रैक्टर। सो ये मतलब आपको शायद लगा हो एक सेकंड के लिए कि भाई ये तो हमें 15,000 की बात कर रहा था और खुद जो है वो 3,300 डॉलर रह गए हैं, तो आई नो कि ये ट्रैक्टर जो रहता था, आई जस्ट ट्राइड टू प्रैंक। एनीवेज तो ये ट्रैक्टर भी सेल आउट कर देंगे, तो इसके बाद हमारे पास बेसिकली ये ट्रैक्टर हमने क्यों यूज़ करना है, क्यों सेल करना है, हम ये भी ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइज मसला ये है कि अगर हमने ओलिव्स के फील्ड में कोई भी काम करना है तो वहाँ पे ये वाला ट्रैक्टर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जो दूसरा छोटा ट्रैक्टर है वो सारे काम ही कर लेता है, टिप्पर भी बड़े अच्छे से पुल कर लेता है, सो टेक्निकली हमें इस ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास रह गए हैं जी 90,000 डॉलर्स। सो अब हम चलते हैं जी शॉप में स्मॉल ट्रैक्टर्स में, तो सबसे पहले 63,000 डॉलर्स का ये वाला ट्रैक्टर हमने बाय कर लिया, और ये आ चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास रह गए 27,000 डॉलर, और अगर हम इसमें इतने पैसों में एक स्प्रेडर बाय करते हैं सो फिर हमारे पास बैलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास इतना लो बैलेंस रहे। सो मैं जो है वो सिंपली इस ट्रैक्टर को जो है वो ड्राइव करके ले चलूँगा, और अभी के लिए जो है मैं स्प्रेडर उसको जो है वो नहीं करूँगा बाय। तो होपफुली जब भी हम ये ओलिव्स की जो है वो पहली फसल लेंगे तो वही सेल करके, अभी देखो गाइस प्लान आगे का बड़ा सिंपल है, आगे का प्लान कुछ इस तरह से है कि हमने पहले तो ओलिव्स जो है वो वैसे ही सेल करने हैं, और जहाँ पे भी हमें अच्छी प्राइस मिले और जिस हिसाब से भी मिले सो हमने जो है वो ओलिव्स को जो है वो सेल करते रहना है। सो क्योंकि आपको पता है ओलिव्स जो है वो स्टोर नहीं हो सकते, तो बाज़ अवकात ऐसा भी होगा कि हमें जो है वो सस्ते दामों भी ओलिव्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे, बट जो भी है सो सेल कर करा के हमने अभी पैसे करने हैं जी 1,00,000 डॉलर्स, ताकि हम ऑयल मिल जो है वो बाय कर सकें, और ऑयल मिल जब बाय कर ली
फिर हमने मज़ीद पैसे जो है वो थोड़े से बनाने, और वो पैसे बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने एक ट्रेलर लेना है ऑटो लोड वाला, ठीक है, सो पैलेट लोडर। तो वो ट्रेलर लेके फिर हमारा जो है वो एक पूरे का पूरा सेटअप बन जाएगा, और फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड होगा। लेकिन ये है कि उस ग्राइंड में हमने करना क्या कि बार बार जो है वो ऑलिव्स को प्लांट करते जाना है, और ऑलिव्स को बेसिकली हमने हार्वेस्ट करते जाना है, और उसको जो है वो ऑयल मिल पे लोड करते जाना है, और जो ऑयल वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको सेल करते जाना है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने वाली चीज़ है कि इसमें हमें जो है वो कितने पैसे जो है वो बच पाते हैं, और कितनी जल्दी हम जो है वो मनी जनरेट कर पाते हैं। और बाकी जैसे जैसे अब नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी, जिस हिसाब से होंगी, सो वो उस हिसाब से हम बाकी अपना फार्म जो है वो अपग्रेड करते जाएंगे। तो यहाँ पे $1400 की ये चिकन्स हैं, तो ये भी हम बाय कर लेते हैं। सो इतनी ज़्यादा कोई रकम है नहीं कि बंदा मतलब कंजूसी करता फिरे, तो इसका फ़ायदा ही होगा कि हमें जो है वो एग्स मिल जाएंगे थोड़े से और। ओके, सो ये ट्रेलर जो है वो हमारा यहाँ पे स्टक कर रहा है। ओके, सो ये वीट जो है वो यहाँ पे हम अब अनलोड करते हैं। ओके जी, तो ये हो गया है जी हमारा काम यहाँ पे, और अभी हम देख लेते हैं कि ऑलिव्स जो ग्रो कर रहे हैं हमारे वो किस स्टेज के ऊपर हैं। सो अभी फर्स्ट स्टेज है मेरे ख्याल से, यस। तो अभी जो ऑलिव्स हैं हमारे वो फर्स्ट ग्रोथ स्टेज पे हैं, दैट मींस कि हमें जो है वो एक दो दिन जो है वो यहाँ पे स्किप करने पड़ेंगे, फिर ही हम लोग जो है वो ऑलिव्स को हार्वेस्ट कर पाएंगे। सो अभी हम यही करते हैं कि ये ट्रेलर जो है इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं। अबे यार ज़्यादा ही आगे चला गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं ट्रेलर को, और अभी हम चल के जो है वो थोड़ा सा टाइम स्किप कर लेते हैं जब तक के हमारे ऑलिव्स जो है वो रेडी नहीं हो जाते। तो ये फील्ड बेसिकली अब किसी काम के नहीं है हमारे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, हमें कोई काम जो है वो हम यहाँ पे अब इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारी मशीनरी जो है वो फील्ड्स के ऊपर काम करने वाली उसको तो हमने कर दिया जी सेल आउट। सो अभी हम लोग जी टाइम स्किप करके वेट कर रहे हैं अपने ऑलिव्स के ग्रो करने का। ओके जी गाइज, तो यहाँ पर आ चुका है दिसंबर का मंथ, और हमारे ऑलिव्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट हो चुके हैं। सो टाइम स्केल जो है वो मैंने 90x कर दी है, और आई विल रेकमेंड कि आप जब भी गेम खेलो सो ऑलिव्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप यही फिक्स कर दें, लॉक कर दें इस टाइम स्केल को, क्योंकि ये है कि इस तरह से फिर आगे आगे से आपका हेल्पर जो है वो पिक करता जाएगा, और पीछे से जो है वो नए नए दोबारा से जो है मतलब कि ग्रो करते जाएंगे ऑलिव्स, और हो सकता है आपको एक दो नाइट्स वैसे भी स्किप करनी पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भद्दी सी जो है वो लाइटिंग हो चुकी है गेम की दिसंबर की वजह से। सो यहाँ पे अभी हम इसको जिक कर देते हैं पार्क, और अपनी हार्वेस्टर में बैठ के ऑलिव्स को जो है वो पिक करना शुरू कर देते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया है हार्वेस्टर को, और यहाँ पे फाइनली जी हम लोग ऑलिव्स हार्वेस्ट करना जो है वो शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। और अभी क्योंकि आपने देखा ही है कि हमें जो है वो इतना कोई अच्छा यील्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने ये बेसिकली AI से बाय किया है। सो AIs जो हैं वो इतना कोई अच्छे ढंग से जो है वो ध्यान नहीं रखते अपने इन फील्ड्स का, सो डेफिनेटली इसका जो है वो यील्ड हमें थोड़ा सा कम मिलने वाला है। एंड अगेन वी कैन ऑलवेज हायर हेल्पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हार्वेस्टेड है, ठीक है, और ये अभी हार्वेस्ट होने वाला है। तो ये रेड रेड से ऑलिव्स जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे दूर से ही, जब भी आप देखना चाहें कि आपकी जो है वो ग्रोथ का सीन जो है वो क्या चल रहा है। राइट, सो यहाँ पे अभी टेक्निकली हमारे पास हमें चाहिए जी अभी तकरीबन चेक कर लेता हूँ, हमें चाहिए जी $25,000 सीधा सीधा ये सेपरेटर बाय करने के लिए, अगर हमने फर्टिलाइज करना है प्रॉपरली। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि पूरी किट ही हम बाय करें, सो उसके लिए हमें चाहिए जी 5,000 और 4,500। तो ये तकरीबन इतना कोई महंगा नहीं है मेरे ख्याल से, ये चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ऑलिव्स की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये आपको बार बार जो है वो ट्रिम नहीं करने पड़ते, अनलाइक ग्रेप्स। सो ग्रेप्स की डाउनसाइड ये है कि वो आपको जो है वो ट्रिम करने पड़ेंगे, वरना वो दोबारा उगेंगे ही नहीं, तो वो काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऑलिव्स के सीन में जो है वो ये सिचुएशन है कि आप जो है वो सिंपली अगर उसको नहीं भी ट्रिम करते हैं
देन यू आर गुड टू गो, और आपको जो है वो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना पड़ेगा कि यार मैंने ट्रिम नहीं करे हैं तो पता नहीं ये ग्रो करेंगे दोबारा से या नहीं। सो वो मतलब कि बड़ा एक ज़बरदस्त काम हो जाता है। सो खैर ये अभी क्योंकि सेटअप ज़्यादा महंगा नहीं था तो मैंने बाय कर लिया, और अब मेरे पास बच चुके हैं जी $14,000, वही तकरीबन 15,000 वाला जो मैंने आपको बताया था कि बजट वही है। लेकिन ये है कि होपफुली इससे शायद हमें जो है वो यील्ड अपना इम्प्रूव करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, सो इसलिए मैंने यहाँ परचेज़ कर लिया। वैसे जो मेरा अपना ज़ाती सेटअप था उसमें मैंने जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं किया था कोई भी, तो ये मैं जो है वो फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस गेम प्ले ये न्यू चीज़ जो है वो ट्राई करने जा रहा हूँ। आई होप कि इससे जो है वो हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो और कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा होगा ही इससे। बट ये है कि जब मैंने पहले ये सेटअप लगाया था एक लोकल प्रोफाइल में तब मैंने ये दोनों चीज़ें बाय नहीं की थी, तब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रेडर बाय किया था। सो लेट्स होप कि इसका हमें जो है वो कोई अच्छे रिज़ल्ट मिलेगा। ओके सो फिलहाल के लिए तो ये दोनों टूल्स हम लोग जो है वो यहाँ पे कर देते हैं पार, क्योंकि अभी तक तो ये यूज़ नहीं हो पाएंगे अनलेस के ये दोबारा जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये फ्रंट वाला पहले उतरा है, अभी बैक पे जो है वो उतर रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हार्वेस्टर हमारी तकरीबन भरने वाली है, और ऑलिव्स का यील्ड थोड़ा सा बेहतर है ग्रेप्स के मुकाबले में इसलिए हार्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा जल्दी भर जाती है। ग्रेप्स थोड़ा सा यील्ड वाइज जो है वो कम यील्ड निकलता है उनसे, तो होपफुली यहाँ पे ये जो हेल्पर है वापस ही आएगा ये ट्रेलर लेके भरी हुई हार्वेस्टर लेके। सो हम यहाँ पे जो है वो इसको एम्प्टी कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वेट करते हैं इसके हार्वेस्टर के फुल होने का, एंड लेट्स सी कब वापस आता है। और नहीं, मुझे नहीं लगता ये पूरी रो कंप्लीट कर लेगा, शायद धीरे ये फुल होगी। सो इसका मतलब है कि हमें चलना चाहिए दूसरी साइड पे, क्योंकि इस साइड से जो है वो हार्वेस्टर नहीं बनने वाली है। सो हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से जब से फार्मिंग सिमुलेटर 23 आई है ये फर्स्ट टाइम है कि मैं नाइट के टाइम पे जो है वो गेम प्ले बना रहा हूँ, और मैंने आज तक नहीं बनाया है नाइट के टाइम पे गेम प्ले, क्योंकि यार अच्छा ही नहीं लगता वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या नज़र आ रहा होगा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये लेकिन ये है कि अब इसमें सेटअप हमारा कुछ इस तरह से कि नाइट के वक्त भी जो है वो गेम प्ले रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। सो इसको मेरे ख्याल से अभी हम रोक ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी रुक जा भाई। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं, और ये जी हमारी पहली हार्वेस्टर भर के अनलोड होने के लिए रेडी है। नज़र मुझे कख भी नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ऑलिव्स हमारे जो है वो भर भर के निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग हायर कर देते हैं हेल्पर जो कि अब यहाँ से मैनेज कर लेगा। सो एक दफ़ा ये हार्वेस्टर फुल होती है तो हमें मिलती है तकरीबन आधी ट्रेलर, आधा ये ट्रेलर जो है वो हो जाता है फुल। सो अभी ये किस चीज़ से ब्लॉक हो गया भाई, किस चीज़ से ब्लॉक हो गया तू? तो शायद हमने इसका जो है वो अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब कर दी है। सो इसको दोबारा से जो है थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो अब ये जी कंटिन्यू कर लेगा। सो एक हार्वेस्टर बेसिकली ये जब हम अनलोड करते हैं तो हाफ हमारा ट्रेलर जो है वो हो जाता है। सो इसकी अगर हम अभी प्राइसिंग चेक करें इन जनरल, सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चल रही होगी प्राइसिंग इसकी। चल रही होगी ऑलिव्स हैं कहाँ पे भाई, ये रहे। सो 2,2100 मैक्सिमम इनकी प्राइस जाती है, विच इज़ नॉट बैड, बेटर देन वीट। और हमने ये बेसिकली ऑलिव्स थोड़ी देर के लिए ही जो है वो सेल करने, बाद में तो हमने ऑफ कोर्स इसका ऑलिव ऑयल बना बना के जो है वो सेल करना है। तो थोड़ी देर के लिए जब तक हमारे पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम अपनी ऑयल मिल या फिर दूसरी चीज़ें परचेज़ कर लें। और ऑलिव ऑयल देख सकते हैं आप $8,700 का एक जो है वो पैलेट बिकेगा, एक पैलेट में होता है 1,000 लीटर्स।
आप देख ही सकते हैं कि कितने हमें जो है उससे पैसे मिलेंगे। सो गाइज़ ये था आज न्यूब्रन का फर्स्ट गेम प्ले, और इसमें मैंने जो है टोटली एक डिफरेंट अप्रोच जो है वो ली है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये गेम प्ले कैसा लगा, क्या सोचते हो आप इस सीरीज़ को लेके, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।